आपका स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। दिल्ली शराब नीति केस में जुड़े भ्रष्टाचार मामले में पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 15 अप्रैल तक सीबीआई की कस्टडी में भेजा है। सीबीआई ने कविता से पूछताछ करने के लिए 5 दिन की रिमांड मांगी थी। सीबीआई का कहना है कि शराब नीति से जुड़ी साजिश का पर्दाफाश करने के लिए कविता का सबूतों से सामना कराने की जरूरत है। उन्होंने आपको रिश्वत के भुगतान के संबंध में संतोषजनक जवाब नहीं दिया। उधर के कविता के वकील ने सीबीआई के इस एक्शन को अवैध बताया है। उन्होंने जांच एजेंसी पर मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। कविता मनी लॉन्ड्रिंग केस में 26 मार्च से न्यायिक हिरासत में थी। एजेंसियों ने गुरुवार को के कविता को तिहाड़ जेल में गिरफ्तार किया था। रिमांड मिलने पर कविता को सीबीआई हेडक्वार्टर ले जाया जाएगा, जहां उनसे पूछताछ होगी। इससे पहले सीबीआई ने 6 अप्रैल को तिहाड़ में कविता से पूछताछ की थी। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।